हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग में से हम इवन ऑर्डर पोजीशन की वैल्यूज को कैसे हम अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले हम बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम कोडिंग पार्ट सीखेंगे। तो अब देखो, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। वेरिएबल वन के अंदर मैंने स्टोर किया है एवरीथिंग करके वैल्यूज, ठीक है। तो उसमें से इवन वैल्यूज कौन कौन से कहलाएगी कि जो भी जिसके भी मीन्स की टू से डिवाइडेबल होगी पोजीशन, वो क्या कहलाएगी, इवन पोजीशन कहलाएगी। अब देखो इसके अंदर, देखो वी और आर टी आई और जी, वो सब क्या कहलाएगी, इवन पोजीशन की वैल्यू, ठीक है। ऑर्डर्ड पोजीशन की वैल्यू कहलाएगी जो वन से स्टार्ट होती है, वो मीन्स की एक ही संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ई ई फिर से क्या वाई और एच और एन, वो ऑर्डर्ड पोजीशन की वैल्यूज है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कोडिंग कैसे हम करेंगे इसका। तो देखो मैंने पाइचाम ओपन कर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी वेरिएबल वन करके वैल्यू असाइन करूँगा, ठीक है। तो अब देखो वेरिएबल वन मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर मैं स्ट्रिंग की वैल्यू कोई भी दे दूंगा। आपको जो भी अच्छा लगे वो यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ एवरीथिंग करके, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है कि ये जो वैल्यूज ली है उसमें पहले मैं निकालूंगा कि इवन पोजिशन की वैल्यूज का, इवन पोजिशन वैल्यूज हमें देखनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर प्रिंट लिखा देगा सिंपल, और आपको वेरिएबल वन यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट करने हैं। एक ए में यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट की है उसमें मैं स्टेप आर्ग्यूमेंट लगाऊंगा, ठीक है। सो आपको नहीं पता होगा स्टेप आर्ग्यूमेंट, तो मैं यहाँ पर बता दूंगा कि जो भी स्टार्टिंग पोजिशन होती है वो इसके अंदर स्टेप आर्ग्यूमेंट आती है। स्टेप आर्ग्यूमेंट में स्टार्टिंग पोजिशन आती है, उसके बाद जो भी लास्ट पोजिशन होती है वो हम लिख सकते हैं, और उसके बाद जो भी वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे हम थर्ड पोजीशन के अंदर, वो स्टेप आर्ग्यूमेंट कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो स्टेप आर्ग्यूमेंट कहलाएगी। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँ, जीरो लिखा, मीन्स कि जो ये स्ट्रिंग मैंने डाली है उसकी फर्स्ट पोजिशन क्या होगी, जीरो होगी, जीरो से स्टार्ट होगी। तो ई की पोजिशन क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। और वी की पोजिशन क्या होगी, तो कि वन होगी। इस तरह से पाइथन में काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो फर्स्ट पोजीशन ले ली, मीन्स कि ई की पोजीशन जीरो है, तो मैंने जीरो से स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर जीरो लिखा। उसके बाद मैं सेकंड पोजीशन में क्या लिखूंगा कि लास्ट जो पोजीशन होगी वो लिखूंगा। अब मुझे लास्ट पोजीशन यहाँ तक मैं गिनने नहीं जाऊँगा, लास्ट पोजीशन तक लिखना हो आपको तो आप यहाँ पर ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो लास्ट वैल्यू, जो भी लास्ट में वैल्यू यहाँ पर जी है, तो वो लास्ट वैल्यू एक काउंट कर लेगा रेंडमली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं थर्ड जो पोजीशन है उसमें मैं क्या लगाऊंगा कि मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, तो कि मुझे सेकंड पोजीशन की वैल्यू चाहिए, मीन्स कि ई के ई ई फर्स्ट ई पो ई मीन्स कि फर्स्ट ई की वैल्यू आएगी, उसके बाद वन वैल्यू जो वी वाली है वो क्या बोले कि वो उसका सबसेक्शन मीन्स कि वो काउंट नहीं होगी, वी काउंट नहीं होगी। उसके बाद की जो वैल्यू की वो काउंट होगी, फिर आर वो काउंट नहीं होगी, फिर वाई काउंट होगी, फिर टी काउंट नहीं होगी, फिर एच काउंट होगी। इस तरह से इसका स्टेप आर्गुमेंट इस तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ इसका आपको कोड रन करके बता देता हूँ। देखो ये जो भी वैल्यूज आ रही है, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि जो अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो ओल्ड पोजीशन की वैल्यू आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग ई थी, उसके बाद वी है वो कंसिडर नहीं हुआ, उसके बाद का ई कंसिडर हुआ, उसके बाद आर कंसिडर नहीं होगा, उसके बाद वाई कंसिडर होगा। तो इस तरह से हम क्या बोले कि ओर्डेड वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ओर्डेड वैल्यू, यहाँ इस तरह से हम लिख सकते हैं ओर्डेड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे कॉलन कर सकते हैं, और अब रन करेंगे मैं तो यहाँ पर लिख कर आएगा कि ये जो वैल्यू मिल रही है वो ओर्डेड पोजिशन की वैल्यूज है। देखो ओर्डेड वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कॉलन कर देता हूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा, देखो ordered values, ठीक है। तो इस तरह से हम कोड कर सकते हैं। अब मुझे मान लो मुझे इवन पोजिशन की वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा इस तरह से, ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर लिखूंगा इवन वैल्यू, इवन वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल वन असाइन करूंगा। अब देखो मुझे यहाँ से स्टार्टिंग में से ही लेना है, ठीक है, पर अब मैं क्या करूँगा कि मुझे अब देखो फर्स्ट पोजिशन यहाँ पर दी है, ठीक है, यहाँ पर मीन्स कि वो जीरो से काउंट होगी वन से, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है कि जो मुझे ऑर्डर इवन नंबर में पहले क्या चाहिए, वी चाहिए, ठीक है। तो वी की पोजीशन क्या है, वन नंबर की। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, वन के जगह पर जीरो के जगह पर मैं वन कर दूंगा, ठीक है। अब ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर
ये जो ब्लैंक है वो एंड पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग की एंड पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो थर्ड वाला जो टू लिखा है वो क्या करता है कि वो स्टेप आर्ग्यूमेंट है कि आपको कितनी वैल्यू कंसिडर नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोड रन करके आपको बताता हूँ। देखो इवन वैल्यू वी आर टी आई जी वो सब इवन वैल्यूज है, और ये जो है मिल रही है वो ऑर्डर्ड वैल्यू है। तो इस तरह से हम पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर हम इवन ऑर्डर्ड पोजिशन की वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं, और इस तरह से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।